सो हेलो एंड वेलकम पिला माने, आज आम नवम श्रेणीर सेकेंड चैप्टर थर्ड पार्ट पढ़ा। आज ये पार्ट में पढ़ा द्रवण। द्रवण कौन ता विषय आम आज जानवा, तो चल आगे बढ़िया। पिला माने जो मैंने आ पूर्व दुटा पार्ट देखिन ऊपर आई बटन लिंक अच्छे देखिपर, चलो ये आरंभ करवा। प्रीवियस पार्ट में आम देखी समजातीय मिश्रण आउ असमजातीय मिश्रण। समजातीय मिश्रण रे आम तर डेफिनेशन वाइज देखिथिले मिश्रण रो संयोजन सब अंशरे समान थाए, किंतु असमजातीय मिश्रण रे मिश्रण रो संयोजन सब अंशरे समान न थाए। तो आज आम से जो समजातीय मिश्रण आउ असमजातीय मिश्रण रो ठीक आउ टिके ब्रॉडली पढ़िबा, ठीक अछि। तो समजातीय मिश्रण गोटे प्रकार जोड़ा ना दिया हिचे हमको देछि आमे द्रवण बोलिके, ठीक अच्छे। आउ जो असमजातीय मिश्रण अच्छी तार दीटा पार्ट अच्छी, गोटे हूँ सस्पेंशन आउ गोटे हूँ कलॉइड द्रवण, है कलॉइड द्रवण। ये देख ये हूँ समजातीय मिश्रण द्रवणटा, आ असमजातीय अच्छी सस्पेंशन आउ गोटे कलॉइड द्रवण, ठीक अच्छे। पिला देख किसी पिलांर प्रीवियस वीडियो रे डाउट था जो सस्पेंशन केमी थी। पिला देख जदि आम लिंबू पा जब पानी पकेबा तेटा आराम से मिसी जाऊँगी, देख। किंतु ये जदि आम ये आम देखा जो तेलटा पानी पकाऊ, देख ये एपट साइड तेलटा पानी पड़ देख ये तेलटा पानी मिसुची कि मिसुनी के समय पर कौन हो पाने ये तेलटा पानी न मिसिकी पानी ऊपर स्तर को उठी ऊपर जाइ जमा हो रईट ना नहीं। तो पानी भितर को पसला भी ऊपर स्तर जाइ जमा हो किंतु तुम जब लेंबू पानी जब पानी मिसेब तो आराम से मिसीजी। तो ये एथर तुम कौन बुझल ये गोटे असमजातीय मिश्रण। असमजातीय मान ए दिज मिश्रण हेबेनि मिश्रण एम भितर हेनी है जे जार तर अलग रे संयोजन सब अंशे सामान नुहे सब जगार सेम अच्छे ऊपर तेल अधिका अच्छे तले पा अधिका अच्छे किंतु लेंबू रस कि तुम चीनी पा कर मैंने तुम जोटि भी देखो ये टे पियो किए टे पियो किए जो तुम टिकेट ओजन नियो जितकी टे नहीं पीले भी सब जगह तुम चीनी मिल पानी भी मिलो कि तुम देखियो मैंने ये ऊपर अंश तेल जमा हो गला तल अंशे पा जमा हो। तो ये बोल कि तेल पाटा हूँ असमजातीय आ द्रवणटा हूँ समजातीय है। तो ये जो आमर ये जो असमजातीय मिश्रण गुड़ाक तार दुटा पार्ट अच्छे सस्पेंशन आ गए कलॉइड कि समजातीय मिश्रण गोटे पार्ट हो आम कौचे द्रवण बोल के, ठीक अच्छे। तो चल आगे देखा पे द्रवण आम डेफिनेशन वाइज देखा आ तार एग्जांपल वाइज देखा। द्रवण कहले तरल कठिन तरल बा गैसीय जातीय वस्तु द्रवीभूत होता है। मुख्यतः द्रवण कहले पे यहाँ अर्थ हो मुख्यतः द्रवण कहले गोटे कौन सी गोटे तरल यही गोटे कठिन मिसियो और यही गोटे तरल मिसियो और गोटे गैसीय मिसियो। देख जमी गोटे तरल ये पा अच्छे पाने आम टे लुण पकई घाँटा देखा तुम देखिपर टे समय पर आ देख देख ये तुम पानी में लुण पकई घाँट देख घाँटू एवं है देखिए तुम्हें ये कौन है ये जो तरलटा थी पा ए कौन पड़ा देख ला ए लुण पड़ा तो ये जो कौनटा पड़ा कठिन गोटे पड़ा लुणटा हूँ कठिन पड़ला घंटे घंटा हो घाटला से लुणटा कौन पाने मिसार लगे रईट ना नहीं। तो ये तो जेहेतु पानी से मिसार लगुच लुणटा पूरा पानी में मिसी जाऊँच से आम कौन कहे यू गोटे द्रवण कहे। तो द्रवण में कौन हो द्रवीभूत हो भूत हो भितरे भूत मान कौन भूत तुम देखिप कि भूत को देख पार द्रवीभूत मान भितर मिसीज मिसिकी भूत हो भितर पूरा संपूर्ण रूप मिले मिसी जावाक आम द्रवीभूत हो कौचे, ठीक अच्छे। तो कौन हो पाए तरल सहित कठिन मिसपा और तरल सहित तरल भी मिसपा तार आम एग्जांपल आउट देखा तापूर्व टी आपको इरेज करदे। तो पे तरल सहित कठिन तो मिश्रण देख लरल सहित ए तरल मिश्रण देख देख यार मार्क कौटी देखिए ये जाए ये कौन है पे हाफ कप जो लेमन जूस कौन कर पूरा ग्लासटे मिसेवा, ठीक अच्छे। देख तुम देखो देख ये लेमन जूस मिसला ग्लास रे मिसला पर कौन पूरा चार मिसीज ना न मिसी रोज पूरा मिसीज ना तुम्हें भी मिसई पार पानी रे हाफ ग्लास हाफ ग्लास लेमन लेमन जूस मिसे पार तो मिसेल तुम देखियो सेटा चारिड़े मिसी जाऊँगी। तो तरल तरल भी मिश्रण हो मिसी पार्टी से आउ कौन पूरा भलसे मिसी जाऊँगी
ଭଲସେ ମିଶି ଯାଉଛି ମାନେ ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ସମଜାତୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଲା ବୋଲେ ତରଳରେ ତରଳ ମିଶି ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଠି ତରଳ ସହିତ ଗ୍ୟାସିୟର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ତମେ ଦେଖିବ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋଟଲଟା ଖୋଲିକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ପରେ ଚିଲ୍ଡ ହେଇଥିବ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋଟଲଟି ଆଣିବ, ତାକୁ ଖୋଲିକି ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳିବ। ଢାଳିଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେଥିରୁ ଏମିତି ପୁରା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବାହାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ଏଠୁ ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ବାହାରୁଛି। ସେ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବାହାରୁଛି ହେଲା, ଏ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଏ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋଟଲ କି ଥମ୍ସଅପ୍ ବୋଟଲ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରେସ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖାହେଇଥାଉଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶାଇକି ରଖାହେଇଥାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଯେଉଁ ତରଳରେ ବା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଥିଲା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଯେଉଁ ତରଳ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଥିଲା, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତ ତରଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ମିଶ୍ରଣ ବି ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଛ ରହୁଛି ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ରହୁଛି, ଯଦି ଏ ମାଛଟା ରହୁଛି ମାନେ ଏ ମାଛଟା ନାହିଁ କି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଥାଉଛି ବା ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିକି ଥାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କଥା କହିଲି, ତରଳ ହେଉଛି ପାଣିଟା, ପାଣିଟା ତରଳ, ତରଳ ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସବୁ ମିଶିକି ଥାଉଛି ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଥାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମାଛ ମାଛ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି ହେଲା। ଯଦି ପାଣିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କମିଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ସିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କାହା ଘରେ ଯଦି ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିବ ଦେଖିବ, ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ରଖାଯାଏ, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ରେ ସବୁ ମାନେ ଏୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଏ, ଏୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ରେ ବାହାରେ ବବଲ ବବଲ ନେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିବ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେମିତି ଜଳରେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଦ୍ରବଣରେ ତରଳ ସହିତ କଠିନ ବି ମିଶିପାରୁଛି, ତରଳ ସହିତ ତରଳ ମିଶିପାରୁଛି, ଆଉ ତରଳ ସହିତ ଗ୍ୟାସୀୟ ମିଶିପାରୁଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତରଳଟା ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଠିକ୍ ଅଛି? କିଛି ବି ତରଳ ହେଇପାରେ, ପାଣି ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ମିଶେ ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ରବଣରେ କଣିକା ସ୍ତରରେ ସମଜାତୀୟତା ରହିଥାଏ ବା କଣିକା ଯାହା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କଣିକା କଣିକା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଥିଲା ବେଳେ ସମଜାତୀୟତା ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣିକା ସ୍ତରରେ ସମଜାତୀୟତା ଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ରବଣରେ ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ବସ୍ତୁର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଡେଫିନେସନ୍। ମନେ ରଖ, ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଦ୍ରବଣ କ'ଣ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତା ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବ, ଦୁଇ ବା ତତ୍ତ୍ୱଧିକ ବସ୍ତୁର ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣଟା କାହାକୁ ନେଇ ତିଆରି, ଗୋଟେ ଦ୍ରବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରାବକ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦ୍ରବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରାବକ। ପୁରାଟା ହେଉଛି ଦ୍ରବଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ ପୁରାଟା ହେଉଛି ଦ୍ରବଣ। ୱେଲୋ କଲର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ୱେଲୋ କଲର୍ରେ ଦ୍ରାବକ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କି ୟାର ୱେଲୋ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଦ୍ରାବକ। ବାହାରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ୍ରବ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କି ୟାର ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ଦ୍ରବ। ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଟା ଆମେ ଯଦି ଏଥିରେ ପକାଇବା, ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପକା ହେଉଛି, ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ପକା ହେଲା, ଟିକେ ରୁହ ଇରେଜ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ତମକୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆଉଥରେ। ଦେଖ ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖ ପକା ହେବା, ଏବେ ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ମିଳେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନି ଗୋଟେ ପକାଉଛ ସେଇଟା ବି ମିଳୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଳିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ କଣିକା ଯାହା ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଜଳର କଣିକା ଯାହା ଭିତରକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା। ଏମିତି ଜଳର କଣିକା ଯାହା ଥିବେ ତା ଭିତରକୁ ସେ କଣିକା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବର କଣିକା ଯାହା ଯାଇକି ଦ୍ରାବକରେ ମିଶିଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ରାବକ ଭିତରେ ପୁରା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ତା ଭିତରେ ପୁରା ମିଶିଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ରବୀଭୂତ ମାନେ କହିଲେ ତମକୁ ଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ବା ଲୁଚି ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ବା ମିଳେଇ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ତ ଦ୍ରବଣରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ ଥାଏ, ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ କମ୍ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ରାବକ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଦ୍ରାବକର କାମ କ'ଣ, ଦ୍ରାବକର କାମ ହେଉଛି ଏ ଦ୍ରବକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ ଅଛି ଏ ଦ୍ରବକୁ କ'ଣ କରିବ, ତା ଭିତରେ ପୁରା ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଇଦେବ। ଏ ଦ୍ରାବକ ଏ ଯେଉଁ ୱେଲୋ ପାର୍ଟର କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପାର୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଦ୍ରବଟା, ଦ୍ରବଟାକୁ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ମିଳେଇଦେବ ବା ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦେବ। ପାୱାରଫୁଲ କିଏ, ଦ୍ରାବକ ପାୱାରଫୁଲ, ଦ୍ରାବକ ତାକୁ ଭୂତ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ପୁରା ବିଲୀନ କରାଇଦେଉଛି, ରାଇଟ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଏ ଟାଇପ୍ର ଦ୍ରବଣ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଦ୍ରବଣରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଦ୍ରବ ଗୋଟେ, ଦ୍ରାବକ ଗୋଟେ, ଆଉ ଦ୍ରାବକ ଦ୍ରବକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଦେଖିଲେ
तरल सहित कठिन मिसिया देखिले, तरल सहित तरल मिसिया देखिले, तरल सहित गैसीय मिसिया देखिले, किंतु एबे देखिया कठिन कठिन मिसिया द्रवण देखिया कठिनटा आउ गोटे कठिन सहित मिसियो, एटि तरल रे किसी व्यवहार नाही, बुझि पारल? तो गोटे कठिन होची फेरम बा लुहा, आउ गोटे कठिन होची कार्बन। ए जो लुहा फेरम आ कार्बन मिसिकी आम जदि ए दुटा कठिन को मिसाए, कार्बन तो तुम जानचो कोइला, फेरम तुम जानचो लुहा, लुहा को आ कोइला को जदि मिसेबा माने हमर स्टील तयार होची, ठीक अछि? ए जो स्टील को आम कहू एलॉय बोली, एलॉय बा ओडिया रे कहू छी मिश्र धातु, जोड़ा ये लिखाई मिश्र धातु बोली इंग्लीश एलॉय लिखाई, ठीक अछि? सेन आम कपर, कपर आउ टिन को मिसाए, कपर माने हूँ पीतल सॉरी तंबा, तंबा सांगे जदि आम टिन मिसाया, टिन मिसेले ये कौन तैयार ब्रोंज तैयार, ब्रोंज माने कंसा, ठीक अच्छे? ये जो कंसा तैयार करा हो तंबा आउ टिन को मिसेकी ब्रोंज तैयार करा हो, कंसा तैयार करा हो, ठीक अच्छे? तो ये टाइप दीटा मेटाल को मिसेकी, मेटाल नॉन मेटाल जहाँ भी गोटे कठिन वस्तु दीटा को मिसेकी भी आउ गोटे नुआ कठिन वस्तु या द्रवण बोली कहे, आपको भी आम द्रवण कहे, आपको कौन कहे कठिन द्रवण, खाली द्रवण कहने पे आपको कहे कठिन द्रवण। तो ब्रेन में जब अच्छे तुम खाली द्रवण माने से खाली तरल सहित मिसिकी होने से बाहर कर दियो, कठिन कठिन सहित मिसिक भी द्रवण तैयारी कर डेफिनेशन लिखाई जाए, एलॉय होउछि दुई बा तत्वधिक धातुर मिश्रण किंबा धातु अधातुर मिश्रण एवं कौनसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा यार उपादान गुड़ी परस्पर ठार अलग कर अर्थ हो पाने तुम झिकी उटारिकी तुम कौन कर मिसेदल, मिसेदला तुम कौन कर हाथ में खोजी खोजिक ए फेरम आउ कार्बन को मिसेदल, टी एरेज करदे आगे फेरम आउ कार्बन को तुम मिक्स करदे, मिक्स करदे तुम हाथ में झिकी झिकी फेरम को अलग करदे, कार्बन को अलग करदे मैंने हबन है। तो भौतिक प्रक्रिया द्वारा आम के आपको अलग करें क्या ये जो मिश्रणटा को, ठीक अच्छे? द्रवणटा को है एक मिश्रण कारण तहार उपादान गुड़िक धर्म प्रदर्शन कै। तो ये कार्बन सॉरी फेरम रि धर्म प्रदर्शन कर कार्बन रि धर्म प्रदर्शन कर दिजन जार धर्म जदि कटिज रही यू जौगिक बोली कह मन रख पे दीटा जिनस मिसला, दीटा जिनस मिसला यहाँ गोटे पदा विशुद्ध पदार्थ मिसला, यहाँ गोटे विशुद्ध पदार्थ मिसला, मिसला दिजन जार जदि धर्म रोची, धर्म जदि रोची धर्म माने गुणटा रोचे है से माने कौन ना से माने से दी जनकर रासायनिक प्रतिक्रिया हैनी हला जदि माने सेटा को मिश्रण बोली हम कहि परिया रासायनिक प्रतिक्रिया हैनी माने ता कोना हमें मिश्रण कहया जदि धर्म रहुनी माने धर्म माने तांकर जो गुणडा रहुनी माने एटी कोन लुहार गुण आ कार्बन रो गुण जदि रहिन थांदा आकु मिसेला पर स्टील होची माने नै किंतु एटी लुहार भी गुण अछि आ कार्बन रो भी गुण अछि हला जदि ए दिरजा गुण स्टील पाखे न थांदा बोले आकु हमें गोटे मिश्रण बोली कही था। तो स्टील पाखे तुम कौन जान लर्थ हो स्टील पाखे बोथ लुहार भी गुण थी बोथ कार्बन रि गुण थी से ब्रोंज पाखे बोथ कपर रुण थी आउ टीन रि गुण थी है। तो जदि दीट जहाँ गुण प्रदर्शन करुच्छे मिश्रण पर मिश्रण बोली कहे यार परिवर्तनशील संयोजन रही है आर परिवर्तनशील संयोजन मान कौटा को कम करोटा को अधिक कले भी हो पार्छ, ठीक अच्छे? चल आगे बढ़िया एबे देखिया द्रवणर धर्म कौन, द्रवण धर्म गुड़ाक डायरेक्ट स्ट्रेट पॉइंट गुड़ा पिला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा रे एटा डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पचार द्रवण धर्म गुड़िक कौन लेख बोलिए, ठीक अच्छे? तो जो द्रवण धर्म गुड़िक हूँ फर्स्ट पॉइंट द्रवण एक समजातीय मिश्रण मुझे तुम फर्स्ट रूम पढ़ेला कहली द्रवण हूँ समजातीय असमजातीय कौ दीटा अच्छी तुम कमेंट सेक्शन में लिख, ठीक अच्छे? द्रवण कणिका गुड़िकर व्यास एक नानोमीटर ठारु छोटो है मन रख पे ये एक नानोमीटर ठार छोट कि तुम यहाँ कहीपर टेन पावर टेन रावर माइनस सिक्स मीटर रु छोट बोली मन रख दस रावर माइनस सिक्स मीटर ठार भी छोट कौटा द्रवण कणिका जा द्रवण भितर ये जो द्रवण भितर ये देख मु तुम देखा ये द्रवण भितर प्लान ये तुम देखी पार्थ टे एरेज कर तुम देखीदि हाँ ये द्रवण भितर जो कणिका जा देखु ये छोट छोट कणिका जा देखु ना ब्लू कलर कणिका जा यार साइज के थी एक नानोमीटर ठार छोट कि दस रावर छ माइनस छ मीटर ठार छोट ता अर्थ हो पाने तुम्हें गोटे मीटर को गोटे मीटर कपड़ा मानने गोटे मीटर लंबा सूता गोटे नब ताकू
ताको तुम कौन कर ना दस लक्ष भाग कर मन रख दस लक्ष भाग कर हला दस लक्ष भाग कले जेटी की छोटा हम द्रवण भितर कणिका जा सी छोट माने अर्थ हूँ चीनी ग्लास जब मुझे पा मिसेदे सरी पा ग्लास चीनी मिसेदेवि मिसेले चीनीटा के सान सान हो चीनीटा कौन होते छान हो गोटे मीटर को आम जदि दस लक्ष भाग करा कि आम जो नखटा देखुच हाथ में जो नख गुड़ाक था नख गुड़ाक आम हजार भाग कले गोटे नख को आम हजार भाग कर हजार खंड करा गोटे नख को आम हाथ गोटे नख को हजार खंड कले जी सान हम सेटा होम गोटे द्रवण रत सान सान कणिका था तो पा भितर मिसीगला द्रवण कणिका जाए ये छोट छोट हो जाए आम चीनीटा पकेला बेलू एत बड़ थी तुम जोटा देखली चीनीटा पकेला बेले बड़ थी कत बड़ देखु तो चीनीटा एत बड़ थी कि भितर को गलापर जो मिले लगे कि छोट छोट टुकड़ा ये कि छोट छोट टुकड़ा है सहीटा टुकड़ा हम केत सान सान टुकड़ा हम तुम भाव इमाजिन कर मुझ तुम तो कहली गोटे नख को जब हजार भाग कर सान टुकड़ा हम से सान टुकड़ा हूँ एक नानोमीटर है एक नानोमीटर बा टेन टू पावर माइनस सिक्स नानोमीटर ठारू छोट है जदि मुझ भूल न था टेन टू पावर माइनस नाइन हम मुझ टेन टू पावर माइनस सिक्स कहीदी टेन टू पावर माइनस नाइन हम बोधे है पाने देख अति क्षुद्र आकार जो सरी हाँ द्रवण कणिका मान द्रस दृश्यव्य ना यहाँ है पाला दृश्यव्य द्रवस्वर मध्य सरी एटा द्रवण मध्य खाली आखि को तो देखा जाए ना द्रश्यव्य ना आउ द्रवण मध्य गति करुवा आलोक रश्मि को विच्छुरित करती ना अर्थ कौन तुमको शुण आ अर्थ हो पाने जो तुम द्रवण मध्य आलोक रश्मि को विच्छुरित करती ना ता अर्थ हो कि ना तुम द्रवण को ये जो आमर जो जदि गोटे ग्लास रे तुम जदि लाइट रे पकेब जो गोटे द्रवण ग्लास अच्छी है द्रवण ग्लास अच्छे जमीक ये गोटे द्रवण ग्लास अच्छी है ये द्रवण ग्लास अच्छी कि ये द्रवण ग्लास कि ये द्रवण ग्लास अच्छी ये द्रवण ग्लास जब तुम लाइट रे पास कर लाइट रे मान बुझ मैंने टर्च पकेब टर्च पकेले टर्च लाइटा एपट पशिक एपट सैड बाहरी पड़ो पूरा एपट पशला पशिक एपट बाहरी पड़े मैंने लाइटा एपट पास कर कि तुम गोटे कांथ पर लाइट पकड़ जी प्लां जीवनी है तो अधिकांश द्रवण में प्लां लाइट रे पास कर जाए है यार अर्थ ना सब जगार कर अर्थ हूँ अधिकांश जगार द्रवण लाइटा पास करते छोट कणिका जहाँ था जो मैंने कि मानने तार रास्त बंद कर पार ना कार आर आम आलोक रश्मि रास्ता बंद कर पार ना से कहुई आलोक रश्मि को विच्छुरित करे विच्छुरित मानने रास्ता बंद कर पारे चेंज कर पार तार रास्ता ठीक अच्छे मन रख एटा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट द्रवण के प्रकार मिश्रण रे आलोक रश्मि विच्छुरित हो न था क्यों प्रकार मिश्रण कणिका आलोक रश्मि को विच्छुरित करती ना प्रश्न एमती पचार परीक्षा तो लिखे ता उत्तर हो द्रवण द्रवण में द्रवण कणिका जहाँ बहुत अति क्षुद्र से मैंने आलोक रश्मि को विच्छुरित करती है तेणु आलोक रश्मि गतिपथ द्रवण मध्य दृश्यमान हुए ना बा आलोक रश्मि जाऊँगी आमको से भितर देखा जाए ठीक अच्छे तार आउ गोटे भी एक्सपेरिमेंट अच्छी जोटा कि मुझे तुमको शो करनी कि परवर्त समय कि बेल नेक्ट चैप्टर में तुमको यहाँ शो करदेवि ठीक अच्छे तार एक्सपेरिमेंटा परिसरण पद्धति द्वारा द्रवण रु द्रवर कणिका मान अलग करना जदि ये दुटा मिशा होगा ये दिज मिसीगल तुम देख लीज मिसला दिज मिसीगले मिसला तुम कौन कर चा छण से छाणिकी कि कौन सी भी छणारे जो चा छणा देखु कि कौन जो छणारे जो छणा होनी कि चा छणा टाइप रि तुम कपड़ा पकई छणा चा चा छाणी देखी थो ना तुम अगर किसी भी जब छाणी देखी थो जगह सेमती छाणी हो पारे या कपड़ा पकई भी आम छाणी अलग कर द्रव आ द्रावक दीटा मिसिकी द्रवण बोल कि तुम चा छणार पकड़े छाणी हेनी कि पाने मन रख जदि आम गोटे ग्लास रे पा अच्छी से बागंडे पकईद हला बाली गंडे पकईदे जदि बाली गंडे पकईदे गोटे मिनट मुझ कलर चेंज कर तुम देखो ये मुझे बाली गंडे पकईदे ठीक अच्छे जब बाली गंडे पकईदे पानी बाली गंडे पकईदे मुझ कौन कर छाणी मुझे छाणी छाणी कौन पाने ऊपर बालीजा रही राइट ना नहीं चा छणा उपर बालीजा रही तलू कौन पलब पानीटा अटोमेटिक तलू पलब पानीटा अटोमेटिक तलू पलब ना
ये तळक पाणी पळे आसी जदी माको छाणी गले तो एटी कोन जानलो जे दिटा द्रवण नुहे काहे की द्रवण हितले ए जो द्रवडा सॉरी ए जो जहा भी ताको पकाइला हला सेटा छाणी हे पारंतानी काहे की आमे देख जानचे जे द्रवण रो गुण होची परिश्रवण पद्धति बा फिल्ट्रेशन हला बा चा छणा रे आकु आमे कोन द्रवण रो द्रव को द्रवण कणिका मानको अलगा करा जाय पारिबो नाही एटा को आमे अलगा करि परिया ठीक अछि तापरे द्रवण को स्थिर भाव रखिदे द्रवण को स्थिर भाव रखिदे यार द्रव कणिका गुड़िक तले बस बसती ना आ अर्थ कौन पे चीनी पा कराई तुम आपको जिन सिन रखिद बोले चीनी तले बस कि तुम देखी दिव के सिंधि हेनी घर ना आज चीनी पा कर चीनी पा कर रख कल सका देख से तले चीनी बसी जाइए कौन केवे भी चीनी तले बसीजन है कि तुम बाली पा कर बाली मिश पाने मटी मिसई दि पा घाटी दिव घाटी देखा रख मैंने तुम देखियो कल सकाल जो दिन देखियो ताबे ते माटी तले बसी थियो ऊपर कौन थियो खाली पानी थियो तले माटी जा सब बसी थियो राइट ना नहीं किंतु चीनी पानी सिंध हो तो चीनी पानी सिंध होनी ता अर्थ कौन आम जान लें चीनी पानीटा हूँ गोटे द्रवण किंतु माटी पानीटा गोटे द्रवण नुहे से बोल कि तले बसी जाऊला तले बसुनी आम जानचे द्रवण गुण हूँ द्रवण धर्म धर्म मान गुण कौन ता गुण हूँ जो आम स्थिर कर रखा स्थिर कर रखीदे से कणिका गुड़िक तले बसीजी है तेणु द्रवण स्थिर अटे स्थिर मानने जमी थी गोटर घाटी देलापर जमी रो सीधिया रो चेज हेनी किसी आम जाओ दस दिन रखिया कि पंद्रह दिन रखिया चीनी पा दस दिन रख कि पंद्रह दिन रख तले आ चीनी बसार चान्स ही ना ना बस तो बस तुम जान सीटा हूँ द्रवण धर्म आउ गोटे जिनस पे आम खाली पढ़देव द्रवण गाढ़ता कौन गाढ़ता मानने पिला देखा थे गोटे टोपा पकैया बोले एति कलर है दी टोपा पकेले एति तीन टोपा पकेले एति चार टोपा पकेले एति पांच टोपा पकेले एति तो द्रवर परिमाण ए द्रव द्रव ये तुम जान पे द्रवण में गोटे था द्रव आउट था द्रावक तो ये द्रवर परिमाण ये द्रावक किए द्रावक पाने कह दि द्रवटा तुम जिते बढ़ी बढ़ी जीव जदि गोटे टोपा पकेले एति कलर है दी टोपा एति कलर है तीन टोपा एति कलर है चार टोपा एति कलर है पांच टोपा एति कलर है तो द्रवर परिमाण जिते बढ़ी बढ़ी जाओ इंक परिमाण आम जिते बढ़े बढ़े ना द्रव परिमाण बढ़ले तार गाढ़ता भी बढ़ो लाल हो जाए ना अधिक गाढ़ ना है तो यू कह कंसनट्रेटेड है कनसनट्रेटेड मानने अधिक गाढ़ा कह डाइल्यूटेड मानने कम गाढ़ ठीक अच्छे तो कनसनट्रेसन अफ ए सल्यूशन गाढ़ता है आर गाढ़ता के अधिक अच्छी ना कम अच्छी तो गोटे द्रवण में द्रव द्रावक आपेक्षिक अनुपात बदली पारे अनुपात मानने एक गोटे लिटर पानी रे गोटे बुंदा पकाई कि गोटे लिटर पानी रे दी बुंदा पकाई कि गोटे लिटर पानी रे तीन बुंदा पकाई कि गोटे लिटर पानी रे चार बुंदा पकाई कि गोटे लिटर पानी रे पांच बुंदा पकाई तापर डिपेंड कर तार अनुपात एक लिटर को एक ना एक लिटर को दुई ना एक लिटर को तीन ना एक लिटर को चार ना एक लिटर को पाँच ता अनुपात पर डिपेंड कर गोटे द्रवण द्रवण परिमाण अनुसार गाढ़ता तार अनुपात पर डिपेंड कर गाढ़ हम गाढ़ मान या हला किंबा लघु हम हला किंबा पृक्त बोली कह हला पृक्त बोले कौन मुझे तुम पृक्त द्रवण आपृक्त द्रवण पढ़ला पढ़ेबी आजपाई ये धन्यवाद।